कांग्रेस पार्टी के 130वें स्थापना दिवस और झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारी संगठन और सरकार ने कोरोना जैसे गंभीर महामारी के बावजूद बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे वो सभी आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा। हेमंत सरकार से जनता उम्मीदें और भी बढ़ गई है। सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, जोहार। आज का दिन हम लोगों के लिए विशेष दिन होता है। आज हम लोग अपने 130वें स्थापना दिवस को मना रहे हैं और निश्चित रूप से इस अवसर पर हम लोग अपने गौरवशाली इतिहास को याद भी करते हैं और इस बात का आकलन करते हैं कि पिछले एक वर्ष में जो 137वें से 138वें में पहुँचे तो हमने अपनी तरफ से संगठन के लिए क्या क्या किया है और संगठन ने लोगों के लिए क्या किया है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जो हम लोग अपने वचन पत्र में सरना कोट की बात कही थी उसको भी हम लोगों ने विधानसभा से पारित कराया। मॉब लिंचिंग की जो कानून था, कानून को भी प्रस्ताव को पारित किया गया। जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम दिया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था पूरे देश में, उसको भी हम लोगों ने शुरुआत की है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के तर्ज पे। यहाँ भी हुई और खुशी की बात है कि पहले ही कैबिनेट में हिमाचल में भी हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।